इलाहाबाद उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय चौटाला नामांकन पत्र दाखिल करके अब निकले हैं, उनसे बात करेंगे। अभय जी, नामांकन पत्र दाखिल किया, कल बीजेपी के नेता आए, वो कह रहे हैं कि हम कमल खिलाएंगे। कमल तो कल खिल गया था ना, देखा नहीं आपने? जो अपने ऑफिस का उद्घाटन नहीं कर सकते वो कमल खिलाने की बात करते हैं। ये सारा हलका किसान का है, खेती से जुड़े हुए लोगों का है, और उनका एक फैसला है कि हम हर हालत में इनको सबक सिखाएंगे, और सबक मिलेगा, इनकी जमानत भी नहीं बचेगी। कल देखा नहीं कैसे कमल खिलाने वालों के चेहरे मुरझाए हुए थे, वो फोटो आपने देखी कि नहीं देखी? एक उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, लेकिन अब फिर दोबारा चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जो मसला था वो हल नहीं हुआ। मैंने जब इस्तीफा दिया था तो मैंने हल्के के लोगों से पूछ करके दिया था, जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं उन लोगों से बात करके नहीं दिया था। कांग्रेस के पास अब केवल एक प्रचार बचा है, वो बारी बारी इस प्रचार को हवा देंगे कि अभय सिंह ने इस्तीफा दिया तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। ना तो मैंने उनसे पूछ करके इस्तीफा दिया था और ना मैं उनसे पूछ करके लड़ रहा हूँ। मैंने हल्के की जनता से पूछ करके इस्तीफा दिया और हल्का की जनता ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया। तो मुकाबला क्या लग रहा है अभय जी आपको, कौन सी पार्टी? पवन बेनीवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया, गोविंद कांडा को बीजेपी ने टिकट दिया, मुकाबला क्या? दोनों पार्टियों के पास कोई अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था। ये कितने दिन पहले पार्टी में आए हैं, इनकी कौन सी पार्टी थी, ये किस पार्टी में थे? क्या इलाहाबाद क्षेत्र में कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था? क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो इस हल्के से टिकट लेकर के लड़ाया जा सकता? ये तो पैसे वालों को लेकर के आते हैं, चौका मारेंगे आप के बलबूते पे टिकट ले दिए जाते हैं लोग और ये बेचते हैं। चौका मारेंगे चौथी बार चुनाव, कितना दावा करते हैं? ये लोगों से पूछो कि चौका लगेगा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल अभय सिंह चौटाला का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई लोकल कैंडिडेट नहीं है, उनके पास बाहरी कैंडिडेट हैं, इस बार वो चौका लगाएंगे और INLD की जीत होगी। इलाहाबाद से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।